बीजेपी की सरकारें जंगल को उद्योगपतियों को दे रही है जंगल काटे जा रहे हैं आस्ते 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 हिंदुस्तान में जंगल खत्म होते जा रहे हैं सही बोला गलत बोला सही तो तीसरा मतलब यह है कि जब इस देश से जंगल खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके लिए इस देश में कोई जगह नहीं बचेगी ये तीसरा मतलब है यह मैंने आपको शब्द क्यों बताए क्योंकि इन शब्दों के पीछे विचारधारा है हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे के सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको यह याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यह जो बीजेपी के लोगों ने आपके ऊपर अपमान किया है ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है वनवासी इसके लिए ये आपसे माफी मांगे हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहें कि आप वनवासी नहीं हो आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे और दूसरा काम माफी मांगने के बाद पहले नहीं माफी मांगने के बाद दूसरा काम जो ये आपसे जंगल छीनते हैं जो हम पैसा कानून लाए जमीन अधिकरण बिल लाए फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए इन तीन कानूनों को ये जो कमजोर करते हैं और आपकी जो जमीन है जो आपसे छीनते हैं आपका जल है आपका जंगल है जो आपसे छीनते हैं वो आपको वापस देने का काम शुरू कर दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करेंगे और जो आपके हक हैं एक के बाद एक एक के बाद एक आपको देना शुरू कर देंगे और जो आपकी जमीन है उसका अधिकार जल और जंगल का अधिकार आपको वापस देना शुरू कर देंगे आप जानते हो कि आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है पूरा मध्य प्रदेश का आदिवासी जानता है कि अगर किसी प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है तो उस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है ऐसा प्रदेश हमें नहीं चाहिए हमें आदिवासियों की को इज्जत देने वाला प्रदेश चाहिए आदिवासियों को रक्षा करने वाला प्रदेश चाहिए और ये जो वनवासी शब्द है इसका प्रदेश हमें नहीं चाहिए